हेलो फ्रेंड्स, केस्ट किस्मा चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मूंग दाल का मठरी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल लिया है। देखिए, इसका अच्छे से इसको साफ़ कर लिए, कचड़ा वचड़ा इसमें जो भी हो बिन के निकाल लिए। अब इसको दो पानी अच्छे से धो देंगे हम। देखिए, कटोरी में डाल के इसको दो पानी धो देंगे। इसको मल के दो पानी धो के मूंग दाल को मैंने दो पानी धो दिया है। अब इसमें पानी डाल के और इसको एक घंटा फूलने के लिए रख देंगे। इसको एक घंटा फूलने के लिए रख देंगे तब इसको पीसेंगे। मूंग का दाल हमारा अच्छे से फूल गया है। देखिए, ऐसा फूला है ये। देखिए, ऐसे नाखून लगाने से ही दब जाए। अब इसको हम पीस लेंगे। मूंग के दाल को मैंने बारीक पीस लिया है। देखिए, एकदम बारीक पीसना है इसको। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा सा अजवाइन, एक चम्मच सफ़ेद तिल, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के और इसको मिक्स करेंगे। मैदा इसमें इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि एक ये स्मूथ डो बन सके। जितना कम, जब तक सूखा डो ना बने तब तक इसमें मैदा डालना है। थोड़ा थोड़ा डाल के हम सानते जाएंगे इसको। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसको हाथ से मिलाते जाए अच्छे से। इसमें थोड़ा सा हम दो चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। देखिए, दो से तीन चम्मच डाले हैं हम। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। गो हमारा थोड़ा ज़्यादा गीला लग रहा है, थोड़ा सा और हम मैदा डाल लेते हैं। देखिए, मैंने जो पीस के रखा था दाल और इसी में मैदा डाल के एक अच्छा डो बना लिया है। देखिए, इसका डो इतना ऐसा रहना चाहिए, ज़्यादा टाई कि ना ज़्यादा ढीला नहीं रहना चाहिए। एक अच्छा डो बन गया है। अब इसको हम बेलेंगे। इसके पहले इसके परत में लगाने के लिए हम घी और मैदा मिक्स कर लेते हैं। दो चम्मच हम मैदा ले लेंगे। और इसी में दो चम्मच घी डाल लेंगे। आपके पास घी नहीं है तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। घी से थोड़ा अच्छा परत छूटता है इसका।
ज़्यादा परत वाला बढ़िया बनता है, इसलिए हम घी यूज कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा और घी डाल दे रहे हैं, कम लग रहा है। देखिए ऐसा लिक्विड बना लेना है। ऐसा लिक्विड बनाना है उसके परत में लगाने के लिए। इसका अलग अलग हम लोई काट लेंगे, इतना बड़ा बड़ा लोई काटना है। हम सभी लोई को एक ही बार काट लेते हैं। मैंने 5 लोई काटा है, अब इसको बेलेंगे। हम इसको पतला बेलेंगे ऐसे घुमा घुमा के। एकदम इसको पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है ताकि हमारा इसका परत ज़्यादा बने। हमने घी और मैदा का जो लिक्विड बना के रखा है उसको चारों तरफ लगा देंगे बराबर। बराबर एकदम लगाना है इसको ऐसे। ताकि हमारे मठरी का परत एकदम अलग अलग निकले, इसको पूरी अच्छी तरह से बराबर लगाना है। लिक्विड लगाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। देखिए चारों तरफ लग गया बराबर। अब हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे इसको बराबर मोड़ना है। हम इसको चाकू से काट लेंगे, ये किनारे वाला भाग काट के निकाल देते रहे हैं। ऐसे निकाल देंगे किनारे वाला, और इतना बड़ा बड़ा हमको पीस काटना है इसका। देखिए इतना बड़ा बड़ा पीस काट लेंगे। इनको ऐसे किनारे कर देंगे साइड में, और एक एक लेके इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा सा तेल लगा के थाली पर और बेलेंगे। ऐसे दूसरा भी बेल लेंगे। आप चाहें तो चौड़ा बेल के और बीच से काट भी सकते हैं इसको, ऐसे और चौड़ा बेल के और बीच से काट के पतला पतला भी बना सकते हैं इसको, और इतना चौड़ा चौड़ा भी बना सकते हैं। और मैं काट के दिखाऊंगी पतला पतला।
गैस का फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए, तेल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए हमको, एकदम तेल का मीडियम लो रखें गैस का फ्लेम। और इसमें हम धीरे धीरे डाल देंगे मछली को। मछली हमारा लो फ्लेम पर ही पकेगा। देखिए इसको फिर दूसरे तरफ हम पलकेंगे, ऐसे पलक पलक के। इसको पलक पलक के तलना है ताकि दोनों तरफ से बढ़िया तलाए। और एकदम आँच एकदम स्लो रहना चाहिए गैस का। देखिए हमने एकदम लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया है। देखिए मठरी तैयार हो गया है, अब इसको बाहर निकालेंगे। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसी को हम एक दूसरी तरह से बेल के दिखाते हैं बना के, आपको जैसा पसंद हो वैसा बनाए। ऐसे चारों तरफ से फैला लेंगे हम लिक्विड को ताकि इसका परत एकदम अलग अलग हो। देखिए इसको वैसे ही फोल्ड करेंगे जैसे पहले फोल्ड किए थे, बिल्कुल सेम वैसे ही फोल्ड करना है। अब इसको हम बेल लेंगे, ऐसे साइड से साइड वाला भाग निकाल देंगे ऐसे काट के दोनों तरफ से। और इसको थोड़ा सा मैदा लगा के और हम बेलेंगे। देखिए इस तरह से बेल लेना है, एकदम बराबर बेलना है ताकि किनारे का भाग मोटा ना हो। देखिए चारों तरफ से ऐसे घुमा के बेल लेंगे, ऐसे किनारे का भाग मोटा ना हो। अब हम इसको इतना चौड़ा चौड़ा काट लेंगे। आपको जितना पतला चौड़ा काटना है काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको तलेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखें तभी मठरी हमारा अच्छे से पकेगा और कुरकुरा होगा। देखिए हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम दूसरे डिजाइन का बना के दिखाएंगे आपको, एक ही डो से कई किस्म का बनेगा मठरी हमारा। मैंने दूसरे डिजाइन का बनाने के लिए देखिए ये चादर थाली पे बेल लिया है, पतला एकदम इसका पतला लेयर चाहिए।
और चारों तरफ से इसको ऐसे काट के निकाल देंगे किनारे का। ऐसे साइड साइड का भाग हम निकाल देंगे। देखिए इसको ऐसे बीच से काट लेना है, फिर इसको ऐसे तीन भाग में बराबर काट लेंगे। ऐसे तीन भाग में बराबर काट लेना है और इसको इतना पतला पतला काटना है ऐसे। देखिए ऐसे किनारे किनारे में नहीं कट होना चाहिए दोनों तरफ, बस बीच में ऐसे पतला पतला होना चाहिए ऐसे। देखिए ऐसे कट कर लेना है, ऐसे ही हम सबको काट लेंगे। देखिए मैंने तीन का ऐसे कट कर लिया है और बस इसको ऐसे उठा उठा के ऐसे हाथ में उठा लेंगे और ऐसे करके दोनों तरफ से। और इसको हल्का सा ऐसे ऐसे घुमा देना है, हल्का सा ऐसे इधर से दबा देंगे और ऐसे घुमा देंगे। ये तेल में जाएगा तो सब छूट जाएगा। ऐसे ही हम सारा बना लेते हैं। देखिए एक और दिखा देते हैं। इसको ऐसे ऐसे मोड़ना है दोनों तरफ से और हल्का से इसको ऐसे बस घुमा देना है। गैस का फ्लेम एकदम लो रहेगा तभी हमको डालना है इसको। ऐसे ही बना बना के डाल देंगे और अभी इसको छूना नहीं है, बस इसको छोड़ देंगे। ये पके, जैसे जैसे पकेगा उसके लच्छे सब अलग अलग होते जाएंगे। अभी इसको छुएंगे नहीं और गैस का फ्लेम एकदम लो करके छोड़ देंगे। देखिए हम इसको अब ऐसे पलट पलट के चारों तरफ से इसको तलेंगे। देखिए कितना इसके लच्छे अलग अलग हो गए हैं। ऐसे ही पलट पलट के तलेंगे इसको। देखिए हमारा मठरी अच्छे से पक गया है और देखिए सब कैसे अलग अलग हो गया है। हम इसको निकाल लेते हैं और फिर दूसरा डाल के और बना लेते हैं मठरी। देखिए हमने दूसरी बार भी तलने के लिए डाल दिया है बना के, फिर ये हो जाएगा तला जाएगा तो फिर दूसरे डिजाइन का बनाएंगे। देखिए एक और डिजाइन हम बना रहे हैं इसी गो से। इसको हम ऐसे कटोरी से कट कर लेंगे। आपको जिस साइज का बनाना है उस साइज का कटोरी ले लें। देखिए चार मैंने कट कर लिया है। पेन लाओ ना। ऐसे गोल गोल करके इस पर लिक्विड लगा लेंगे हम। ऐसे पूरे में लिक्विड अच्छे से उंगली के सहारे फैला लेना है और इसको ऐसे मोड़ना है। ऐसे मोड़ेंगे इस पर फिर से लिक्विड लगा लेंगे।
इसको ऐसे साइड से ऐसे इधर का भाग हम ऐसे दबा के बंद कर देंगे और इधर का खुला रहेगा। इसको थोड़ा थोड़ा हाथ के सहारे ऐसे हल्का फैला लेंगे, ऐसे फैला लेना है हाथ से। इसमें हम ऐसे पेन से डिजाइन बना लेंगे, देखिए ऐसे पेन से। ऐसे डिजाइन बनाने से ये फूलेगा भी नहीं, मटेरियल अच्छी बनेगी और डिजाइन भी बन जाएगा। ऐसे ही हम सबको बना लेते हैं, फिर तलेंगे। इसको ऐसे दबा देंगे और इसको ऐसे हाथ के सहारे, इधर से खुला रहेगा मुंह, इधर से नहीं दबाना है, और ऐसे करके और पेन से ऐसे डिजाइन बना देंगे। ऐसे डिजाइन बनाने से मखरी हमारी फूलेगी नहीं और डिजाइन अच्छा भी लगेगा। देखिए ऐसे ही हम सारा बना लेंगे, तब तलते हुए दिखाएंगे कि कैसे तलना है इसको। देखिए मैंने चार बना लिया है इस डिजाइन का, इसको तल के दिखाती हूँ कैसे तलना है, फिर और दूसरा बना लेंगे। अब फ्रेम कम ही रखना है और इसको ऐसे डाल देंगे एक-एक करके। देखिए इसमें से हल्का हल्का बबल्स आने लगे हैं और ये धीरे ही धीरे पकेगा, क्योंकि थोड़ा मोटा है, धीरे धीरे पकेगा तभी ये क्रिस्पी बनेगा। देखिए मठरी को हमने एकदम लो फ्लेम पर इसको तला है, अब मठरी हमारा तला गया है। देखिए कितना गोल्डन कलर का अच्छा हुआ है। इसको निकाल लेते हैं, इसका तेल ऐसे निकालेंगे तो इसका तेल अच्छे तरह से निगल जाएगा। ऐसे करके निकाल लेंगे। मैंने दूसरा डिजाइन बनाने के लिए देखिए इतना बड़ा बेले हैं और ये थोड़ा मोटा रहेगा। देखिए इतना मोटा है, ये इतना मोटा रहना चाहिए इसका परत। और इसको ऐसे गिलास से काट लेंगे गोल गोल, ऐसे घुमा घुमा के गोल गोल काट लेंगे। देखिए ऐसे काट के और इसको ऐसे गोल गोल निकाल लेंगे। ये जो बचा है इसको फिर से हम ऐसे लोई बना के और काट के ऐसे गोल गोल निकाल लेंगे। पहले इसको हम बना के दिखाते हैं कि कैसा डिजाइन बनाना है इसका। ये कैसे इसका डिजाइन बनाना है हम बता रहे हैं। इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, हम चम्मच में तेल लगा लेंगे ताकि ये आसानी से निकले। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के और चारों तरफ से बना लेंगे। देखिए ऐसे डिजाइन बना लेना है। ऐसे ही हम इसमें भी बना लेते हैं। डिजाइन बना है ऐसे ही सब मठरी में हम डिजाइन बना लेंगे, तब इसको तलेंगे। देखिए हमने मठरी पर एक डिजाइन बना दिया है, देखिए कितना प्यारा डिजाइन बना है। और इसको हम बीच में इसी खोप से ऐसे ऐसे छेद कर देंगे थोड़ा थोड़ा, ऐसे ये डिजाइन भी बन जाएगा और मठरी हमारी फूलेगी भी नहीं। ऐसे छेद करने से मखरी फूलती नहीं है, फूल जाएगी तो मखरी फिर
क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसीलिए हम ऐसे छेद कर देंगे मखरी में। ऐसे एक एक करके मखरी हम डाल देंगे इसमें। देखिए हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, और एक ऐसे में एकदम लो फ्लेम पर हम इसको तलेंगे। देखिए हम मखरी की हमारा हल्का गोल्डन होने लगा है, इसको ऐसे ही पलट पलट हम तल लेंगे। देखिए बिल्कुल ही इसको उससे, देखिए इसमें हमने बीच बीच में छेद कर दिया है, तो मखरी बिल्कुल फूला नहीं है। ऐसे छेद कर देना ताकि मखरी फूले ना और क्रिस्पी बने। चलिए हाँ, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हाँ मखरी तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा बना है ये। एक ही डो से हमारे चार प्रकार की मखरी बन के तैयार हो गई है। देखिए चार डिजाइन की मखरी हम बनाए हैं, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है, एकदम क्रिस्पी बना है ये। इसको आप, आपके घर कोई मेहमान आए तो मेहमान को खिला सकते हैं, सुबह शाम के चाय के साथ खा सकते हैं। इस मखरी को आप तुरंत डो लगा के बना सकते हैं, और इसको एयर टाइट डिब्बे में बंद करके कितना दिन भी स्टोर करके रख देंगे, मखरी ख़राब नहीं होती है, कि सुबह शाम के चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इसको तोड़ के दिखाते हैं कैसी बनी है मखरी हमारी। देखिए कितना क्रिस्पी बनी है ये मखरी, देखिए कैसे कुक जा रही है, एकदम मुँह में घुलने लायक बनी है ये, और देखिए कैसे कुक गई। देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है एकदम, देखिए कैसे आवाज़ कर रहा है, बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। इसका देखिए कितना इसका लेयर अच्छा है, देखिए हम इसका परत निकाल के दिखा रहे हैं एकदम, और अंदर से कितना ये क्रिस्पी बना है एकदम परत वाला। देखिए खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी है ये। देखिए इसके कितने लच्छे बने हैं, देखिए इसका लच्छा निकाल के हम दिखा रहे हैं, देखिए कैसे इसके लच्छे निकल रहे हैं और एकदम क्रिस्पी बना है एकदम। देखिए कितना जल्दी ये कूप जा रहा है, देखिए इसके लच्छे एकदम सब अलग अलग हो जाएंगे। हमारे मठरी की रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।